कैसे लगाएंगे? तब्दील कहाँ गया है? अरे वो बड़ा फैले होता और उपरा करो आगे उपरा कर टिकट नहीं देखा तो पढ़ने होता नहीं नहीं एक लाइन कहाँ हुई है? एक लाइन बहुत भीड़ हो जाएगा, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा।
اب ڈان کرو میری گزارش ہے کہ وہ اور اپنا گائے نام کے بعد آپ کا گاؤں میں بھجوا دینا چاہتا ہوں
कि जो लोग मेरे बाहरी मेहमान महबूब-ए-यजदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तशरीफ आए हैं, उनसे ये मेरी गुजारिश है कि वो इस पिंडाल के पीछे वो पहुंच जाए और खाना खा ले। जिम्मेदारियां फौजी नहीं है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाने की कोशिश करें। सारे आलम पे खा गया कोई, सारे आलम पे खा गया कोई। चार बजे बराबरी समाप्त कीजिए, मगर झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जगह बोली है रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। रोज पढ़ते हैं शाम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं शाम पढ़ते हैं, लात खैरुल अनाम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं शाम पढ़ते हैं, लात खैरुल अनाम पढ़ते हैं। जिनको सरकार से नहीं मतलब, जिनको सरकार से नहीं मतलब, जो भला वो अजान पढ़ते हैं, जो भला वो अजान पढ़ते हैं, जो भला वो अजान पढ़ते हैं। और आपका जज्बा शादी देखकर ये चार मिसरे आपके हवाले करने पर मैं मजबूर हूँ। जरा जी लगाकर एक मरतबा बोल दें सुभान अल्लाह। बाल रखते हैं, बाल रखते हैं, बाल रखते हैं, बाल रखते हैं, मरतबा आलीशान रखते हैं। झुमकर बोल दें सुभान अल्लाह। रखते हैं मर्तबा आलीशान रखते हैं, लगते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लगते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे हम हथेली पे जान रखते हैं। नारे तकबीर, जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीजुल्लाह साहब किला। बैठिए, ये बैठिए भैया, बैठो आप लोग, खड़ा मत। हेलो भाई, साइलेंट हो जाइए आप। मुस हफे रूए मनोबर के तिरावत होगी अल्लाह अल्लाह। मुस हफे रूए मनोबर की तिरावत होगी, अब मैं समझता हूँ इबादत तब इबादत होगी। जनाब अनवर मिर्जा पूरी, आपको अच्छी आवाज, अच्छी नाक और कई खूबसूरत कदाब से आपको नवाजा इन्होंने, बहुत अच्छी आवाज, अच्छा शेर पढ़ रहे थे और आप समाप्त कर रहे थे। जब ये शेर पढ़ रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था, औरमा को कैसा लग रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जहन की हाशिया पर ये शेर दस्तक दे रहा था कि ये नाक कोई कहे मीठ हड्डी और रसूल तो है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये नाक कोई कहे मीठ हड्डी और रसूल तो है, किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है, किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है। अब मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, मेरी निजात का तामीन मेरा रसूल तो है। सर
बहुत शानदार मजमा है और खूबसूरत माहौल में जनाबी अनवर जी साहब पूरी वाकई बड़ी मेहनत कर रहे थे और आप सुन रहे थे, विनाद कर रहे थे और आपको अच्छा भी लग रहा था। सामीन इनकी शायरी आप ही समझ कर रहे थे और वर्मा भी जब इनाज पढ़ रहे थे तो आप भी दादों के दिन से नमाज रहे थे, मैं भी इनको दादों के दिन से नमाज रहा था और वर्मा भी नमाज रहे थे, लेकिन आपको कैसा लग रहा था आप जानिए, लेकिन सुनिए मुझको क्या लग रहा था जब ही पढ़ रहे थे तो यही कह रहे थे जनाब अनवर। क्या कह रहे थे अनवर साहब? उनकी तर्जमानी अलसर दीवानी को यूं कुछ यूं कर रहा कि कब बुलाते हैं शहे तू जरा पे छोड़ दे, कब बुलाते हैं ये शहर तू जरा पे छोड़ दे, अब तो गुलाम उनका है सब उनकी अदा पर छोड़ दे, कब बुलाते हैं शहर तू जरा पे छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब उनकी अदा पर छोड़ दे, अपनी बातचीत के लिए तू तो देने वाला है कौन, ये मुर्तबा का काम है तू मुर्तबा पर छोड़ दे। इधरची आवाज और इधरची नादे पाक के बाद आइए तकरीर होने जा रही है, एक शानदार खिताब, एक फुलबहार खिताब समाप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, एक अच्छी सलाहियत के मालिक कल्चर दीवानी आवाज देने दादा, एक शानदार जानदार फुलबहार बाबाकार बर्फबार शुलाबार खदीब कियामत आमद होने जा रही है, मोहतबद मौलाना मुफ्ती हबीबुल्लाह अब्दुल्ला सचिव रखते हैं अलसर दीवानी पूरे दर के साथ आवाज दे रहा है शेर के साथ कि वो करे बात तो खुशबू आए, बोलो यार वो करे बात तो खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, तो हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत की गूंज में आप करें नारा लगाएं। मैं चाहता हूं कि है एक माँ का बेटा जिसने अपनी माँ का दूध पिया खड़ा होकर नारा लगाए, एक माँ का बेटा चाहिए, देखिए मैंने कहा कि एक माँ का बेटा चाहिए जिसने दूध पिया हो, बोली में भी एक ही आदमी दूध पिया है, सबने पिया है लेकिन सबूत एक फराहम कर रहा, माँ के नाम पे खड़े होकर वो मोहतम नारा लगा रहे थे, एक भाई खड़े हुए लेकिन मीट कॉल करके बैठ गए, देखिए बहुत शानदार है ये माँ के नाम पे खड़े हो गए थे माँ के बेटे, इसलिए मैं माँ के हवाले से और माँ के कदमों को बोलता देता हुआ कौम के नाम एक शेर देता हूँ, जितने माँ के बेटे होंगे मेरा दावा है कोई चुप नहीं रहेगा, शान और शौकत खरीद लाया हूँ, माँ के बेटो शान और शौकत खरीद लाया हूँ, खैर और बरकत खरीद लाया शान और शौकत खरीद लाया हूँ, खैर और बरकत खरीद लाया हूँ, क्यों कर माँ के पाँव को यारो मैं भी जन्नत खरीद लाया हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे हैं। अब आइए तकरीर होने जा रही है, मुफ्ती साहब की मिलाद तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइएगा ना पूरा मजमा नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठा रहे भैया हाथ उठाइए, नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत महबूब-ए-यजदा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत अखलाक़े आला हज़रत नारे तकबीर।
نعرہ رسالت. اب مائک پہ آپ کے حوالے حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ صاحب قبلہ دامت برکات قدسیہ بنگوانیہ, آپ ان کی زیارت کیجیے, خطابت سے چھڑ دیا. خالدان انہوں نے نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب خیر امت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ الى حضرت النبی الکریم وابن الغوث العظم البغدادی سیدنا و سندنا وسیلتنا شیخ عبد القادر جیلانی. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه الكرام وابنه الكريم وامته الكريمه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا مولاي يا ملجائي يا كنزي وذخري شفيعي ليومي وغدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. اے قادر و خدائے عبد القادر قدرت بے دست آئے عبد القادر بر عجزی و بر حاضری اہل سنت و بر جمیع اہل سنت نظر رحمت کن رحم اے قادر برائے عبد القادر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ